रोज़ चिकन कबाब रेडी कर लेते हैं। एक बड़ा बॉल ले लिया मैंने, यहाँ पे मेरा फुल बॉल भर के चिकन विंग्स है जिसे मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया ताकि अच्छे से मैश हो जाए। तो ये देखें, ये परफेक्टली मैश्ड है। इसमें मैंने ऐड करना है 1 बॉल ब्रेड क्रम्स, फ्रेशली ब्रेड क्रम्स है ये। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून साल्ट, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून होल स्पाइसेस पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबलस्पून ही हमारे पास क्यूमिन पाउडर है। ये सारे स्पाइसेस हम इस टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे 1 स्मॉल साइज फाइनली चॉप्ड अनियन, 1 हैंडफुल फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, 1 स्मॉल साइज टोमेटो फाइनली चॉप और 1 स्मॉल साइज कैप्सिकम, ये भी हमने फाइनली चॉप यूज़ करने हैं। तो ये सब चीज़ें भी इस टाइम पे हम इधर ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कबाब का मिक्सचर हमारा परफेक्टली रेडी है, तो इसे हम जस्ट लॉन्ग कबाब की शेप में ले आते हैं। कबाब जो है हमारे परफेक्टली शेप में है, तो स्टफ पे मैंने रखा है एक पैन और इसमें हम ऑयल डालेंगे। हमने अपने कबाब्स जो हैं उन्हें शैलो फ्राई करने हैं, तो हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लग गए हैं हर तरफ से कबाब को फ्राई करने में और आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल से हमारे जो कबाब हैं परफेक्टली डन हैं। तो इनको हम निकालते हैं प्लेट में अलग से।